हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जी हाँ दोस्तों, ये मशीन मैंने 1 साल पहले मंगाया था और वो मशीन अभी तक सही चल रहा है। एक्चुअली मैंने वो मशीन किसी और को दे दिया है ना, तो एक्चुअली मैंने फिर से नया मशीन मंगाया। आप देखेंगे कि भाई वेंट्रो का जो नया मशीन है, 1 साल पहले क्या सिस्टम था, क्या चेंजेस था और अब क्या चेंजेस है, देखेंगे कुछ नया इंप्रूवमेंट किया है कि नहीं किया है ना। चलो अभी देखता हूँ बॉक्स के अंदर, जल्दी से मैं आपको अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ और बाद में इसमें से कुछ नया प्रेशर टेस्टिंग करके बताएंगे, देखना ना। और इसके साथ जो भी कुछ अलग बहुत सारी चीज़ें एक्सरसाइज में लग सकते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो आप वीडियो को पूरा देखो। ओके, तो सामान फटाफट से निकाल देता हूँ मैं। ये रहा पाइप, ये देखो। एक्चुअली ये जो गन की बात करेंगे तो 100% मैं बोल सकता हूँ कि भाई बहुत ही क्वालिटी वाला गन दिया है ये लोगों ने। ये देखो इनलेट पाइप दिया है, ये गोल गोल रिंग टाइप, जो ये चिपकता नहीं है, पिचकता नहीं है, तो वो सेल्फ प्राइमिंग करने को अच्छा होता है। मतलब अगर आप सीधा नल से लगाओगे, घर के नल से, तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर बाल्टी से लोगे तो इसमें ज़्यादा अच्छा होता है मशीन को ऐसा मतलब वैक्यूम करने को, खींचने को, सेल्फ प्राइमिंग करने को इस पाइप से अच्छा होता है। और ये इस मशीन में एक खासियत है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये देखो, ये तो इनलेट फिल्टर लगता है, जो आपको बाल्टी में से अगर आप यूज़ करोगे या तो ड्रम में से यूज़ करोगे तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो फिल्टर इनलेट पाइप के लिए। वो देखो, ये देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इसमें कुछ खास बात है। ये जो किसी भी मशीन में आपको साथ में फ्री में नहीं देता है, लगता है एक कौन सा दूसरा है, कौन सा एक ही मशीन में कौन सा इसमें देता है फ्री में। नॉर्मली देखो ये फिक्स है, ये मैंने 1 साल पहले भी जब लिया था तो ये भी इन्होंने फ्री में दिया था और अभी भी ये लोग फ्री में दे रहा है। आपको तो पता है वाला किस काम का लगता है, होस पाइप को रिक कनेक्टर है। ये देखो, ये सीधा आपको ये होस पाइप में लग जाएगा यहाँ पर, मतलब सीधा आप मशीन में लगा सकते हो इसको, तो ये अच्छा बात है वो। और ये देखो ये दिया है कनेक्टर, आप चाहे तो होस पाइप में लगाओ सीधा, आप चाहे तो आप मशीन में लगाओ। ये देखो ये सिस्टम दिया हुआ है, ऐसा ये लगता है यहाँ पर। ये देखो ये तो मैं आपको अभी कनेक्शन करके बताऊँगा। हाँ, और साथ में क्या दिया ये लोगों ने, इनलेट पाइप का ये फिल्टर और क्विक कनेक्टर ये दिया है। ओके, और ये दिया है गन को क्लीन करने वाला पिन, ये देखो। और साथ में देखो एक्सटेंशन रॉड देता है, जो आप सीधा ऐसा गन में लगा सकते हो। देखो ये ऐसा यहाँ पर खोल के आप ऐसा लगा सकते हो। ये देखो ये सॉरी ये देखो ये ऐसा आप ऐसा लगा सकते हो। आप चाहे तो नॉर्मली शॉर्ट भी यूज़ कर सकते हो, आप चाहे तो इसको लगा के भी यूज़ कर सकते हो, बाकी वो आपका मर्जी है, ठीक है। ये भी हो गया और फाइनली बचा हमारा मशीन ये। ओके, इसको मैं इधर रखता हूँ, बॉक्स के अंदर और कुछ भी नहीं है। और अब बारी है मशीन का। तो दोस्तों ये देखो, ये मैंने बाल्टी में पानी डाल दिया है, सेल्फ प्राइमिंग मशीन है, ये ऑटोमेटिक पानी खींच लेगा अपने अंदर। और ये देखो ये मैंने कनेक्शन कर दिया है, लाइट का कनेक्शन कर दिया है। चलो अब मशीन को ऑन कर देता हूँ मैं। चलो मशीन को ऑन करने के टाइम पहले गन को दबा के रखना है। देखो ऐसा, ये गन का जो ट्रिगर है इसको हमने दबा के रखा, साथ में इसको मशीन को चालू कर दिया ये। चलो अब पानी आ जाने दो। ये देखो ये ज़बरदस्त प्रेशर, चलो भाई चालू हो गया। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, देखो मोटर के नीचे से ज़रा सा पानी निकला 2-3 सेकंड के लिए, जैसे ही मैंने चालू किया वैसे ही। पता है ऐसा क्यों निकलता है? बहुत सारे मशीनों में ऐसा होता है कि मशीन में से थोड़ा सा चालू करने के पहले 1-2 सेकंड के लिए पानी निकलता है, क्योंकि जो पाइप से जो एयर आता है ना, तो एयर का एक अंदर सिस्टम देखो भाई, अंदर मशीन के अंदर अगर एयर आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली लीकेज होकर वहाँ से वो एयर को निकाल देता है। बाद में वो ऑटोमेटिकली सिस्टम वो बंद कर देता है उस चीज़ को, एयर लीकेज होना, वाटर लीकेज होना बंद हो जाता है। मतलब उसमें एक ऐसा सिस्टम है कि ऑटोमेटिकली भाई अंदर से अगर एयर आएगा यहाँ पर तो नोजल में फाट 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 करके आवाज़ आता है। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर एक रेगुलेटर दिया हुआ है कि पाइप के अंदर जैसे ही एयर आएगा तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल करके वहाँ से उस एयर को वहाँ से निकाल देता है। अब देखो यहाँ पर प्रॉपर ऐसा मस्त प्रेशर आ रहा है। देखो ये देखो ये देखो ज़बरदस्त प्रेशर है भाई साहब। ये देखो मतलब जिस भी बंदे को अगर ऐसा मतलब कम बिजली का खपत करके आपको अगर ज़्यादा परफॉर्मेंस वाला मशीन चाहिए तो भाई ये एक है जो सिर्फ 1800 वाट के अंदर ज़बरदस्त 135 बार का प्रेशर दे रहा है, इतना ज़बरदस्त है। ये देखो आपको तो दिख ही रहा होगा, देखो एकदम खतरनाक पावरफुल। ये देखो, चलो आज मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ। ये देखो जो बोला था कुछ नया होने वाला, ये है वो चीज़ नया। ये देखो ये कंपनी तरफ से दिया हुआ था, ये जो है ना वो अंडर चेसिस जो क्लीनर जो है स्प्रे है ये है, लेकिन इससे हम आज देखेंगे भाई फ्लोर भी हम क्लीन कर सकते हैं इससे। आज मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों चलो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि भाई ये फ्लोर को कैसा क्लीन कर सकते हैं। ये भी वो अंडर कार का जो स्प्रे, कार का जो अंडर चेसिस क्लीन करते हैं उसी नोजल से आप ऐसा फ्लोर को कैसा क्लीन कर सकते हैं, आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ। ये देखो, तो हम ये गन को ले लिया और इसको हम ऐसा खोल देंगे, जहाँ से खुलता है खोलने दो, ऊपर से नीचे से, मेरे को टेंशन नहीं चाहिए। ओके, ये ऊपर से खुल गया, ठीक है। इस ये जो क्विक कनेक्टर है एक्स्ट्रा मिलता है, ये हमने यहाँ पर लगा दिया। चलो एक काम करूँगा, अगर आपके मशीन के साथ अगर एक्स्ट्रा क्विक कनेक्टर अगर चाहिए तो मैं ये भी लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जा करके ये भी खरीद सकते हो। वैसे तो मैं लिंक हर चीज़ का दे देता हूँ, मशीन वगैरह हर चीज़ का, जो चाहे आप वो खरीद लो वहाँ से जाकर, अमेजोन से जाकर के। ये देखो आप अगर आपको लगे भाई ये एक्सटेंशन रॉड कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, ऐसे तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी लंबा हो गया, तो आप ऐसा कर सकते हो। तो बीच वाला जो एक्सटेंशन रॉड है देखो, जैसे कि ये मैं थोड़ा चला के बताता हूँ। पहला ये चल गया, ये अरे भाई ज़बरदस्त, वाह भाई वाह। ये देखो वाह, ये देखो खतरनाक, मतलब 4-4 नोजल एक साथ क्लीन कर रहा है फ्लोर को, अच्छा है। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे क्या लग रहा है यार, जो रॉड कुछ ज़्यादा लंबा हो गया, तो मैं क्या करूँगा, ये बीच वाला जो एक रॉड है इसको मैं साइड कर देता, आपको मेरे को फिलहाल अभी ये नहीं चाहिए। ओके, क्योंकि ये गन के साथ भी एक्स्ट्रा से रॉड दे रहा है ना, इस वजह से। ओके, अब ठीक है। ये देखो ये वाह भाई वाह, एक साथ पूरा जबरदस्त, मतलब ऐसा ऐसा चौड़ा करके तीन चार नोजल एक साथ ऐसा फ्लोर को क्लीन करेगा बड़ा ही तेजी के साथ। ये देखो चार नोजल दिख रहा है, ये देखो ये चार नोजल एक साथ मस्त ऐसा फ्लोर को ऐसा क्लीन करेगा। ये देखो ऐसा आगे पीछे ऐसा करेगा तो वो ऑटोमेटिकली ऐसा मस्त क्लीन हो जाएगा। ये देखो वाह भाई वाह, ये तो कमाल का है आइडिया। हाँ हाँ हाँ, ये देखो ज़बरदस्त। एक्चुअली ये फंगस है ना 2 साल, मतलब पिछले साल का पुराना है ये फंगस, तो इस वजह से बहुत ही स्ट्रांगली चिपका हुआ है स्लैब में। और फिर भी देखो यहाँ पर निकल जा रहा है वो प्रेशर से। ये देखो अगर ज़रा सा बारिश हुआ रहता तो तब तक तो ये मतलब इजीली निकल जाता, बिल्कुल सूख के हार्ड हो गया हो, फिर भी देखो काफ़ी अच्छा निकल गया, बिल्कुल फुल क्लीन हो गया। और अगर नॉर्मली डस्ट वगैरह है फ्लोर वगैरह क्लीन करना तब तो कोई बात ही नहीं है, ज़बरदस्त क्लीन हो जाएगा। ये देखो ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। आप जहाँ चाहिए वहाँ ऐसे घुमाओ, ये देखो ऐसा करोगे तो ऐसा जाएगा और ऐसा करोगे तो ऐसा जाएगा। आपको जिस एंगल में चाहिए उस एंगल में ऐसा घुमा के ऐसा इजीली आप क्लीन कर सकते हो। ये देखो वाह, ये देखो खतरनाक प्रेशर। चलो दोस्तों अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी तो नोजल तो नीचे तरफ है, अगर ऐसे में मारोगे तो क्या हो जाएगा, ये फ्लोर क्लीन होगा, लेकिन कार का जो चेसिस है अंदर से वो कैसे क्लीन करोगे, नोजल तो नीचे तरफ है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, नोजल का जो सिस्टम है वो चेंज करना चाहिए। देखो ये जो सिस्टम है ये यहाँ से हम ऐसा चेंज करेंगे। ये देखो इसका पार्ट चेंज करना है तो अपने को 90 डिग्री एंगल वो अपने को गन क्या क्या लगाना है ये साइड में। ये देखो ऐसा, तो ये जो हमने जो एक्स्ट्रा जो रॉड साइड में किया था उसको भी हम अभी लगा देंगे तो अच्छा रहेगा वो। ये देखो ये तो आपको ज़रूरत के हिसाब से आप उसको रॉड को लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। ये देखो अब जैसे कि हम कार के अंदर मारेंगे, इसको मैं ऐसा लगा देता हूँ। ये अब देखो ये प्रॉपर जो है नोजल वो ऊपर तरफ स्प्रे करेगा। ये देखो ये देखो अब ये ऊपर तरफ स्प्रे करेगा। ये देखो अब अगर आपको समझो कार के नीचे अगर मानना है अंडर चेसिस में तो इजीली ऐसा वो काम करेगा। मतलब अगर आप चाहे तो इसको नोजल का घुमा के आप ऐसा नीचे तरफ भी लगा सकते हो फ्लोर क्लीन करने के लिए, अगर आप चाहे तो कार का चेसिस भी ऐसा क्लीन कर सकते हो। मतलब किसी भी एंगल में आप ऐसा बना के आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। देखो ज़बरदस्त। अगर मैं ज़्यादा ऊपर मारूंगा तो भाई मैं ही भीग रहा हूँ, बिल्कुल बारिश का बूंद ऐसा, मतलब क्या पता ओस जैसा बारीक बारीक बूंद होकर निकल रहा है, खतरनाक प्रेशर से निकलता है ना उसमें से, इस वजह से स्प्रे हो जाता है वो। ये देखो ये ऐसा प्रेशर निकलेगा। ये देखो ये ऐसा वाह भाई वाह, ये कार के नीचे ऐसा वो काम करेगा। तो दोस्तों आप मुझे बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा है ना, तो आप अगर कुछ सजेशन देना चाहते हो कि भाई इस नोजल का और क्या क्या तरीके से आप यूज़ कर सकते हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो अगर आपको एक मशीन खरीदना है तो मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर खरीद सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।